सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सैमसंग के कुछ डिवाइसेस में रिसेंटली सैमसंग ने न्यू अपडेट जो है वो रोल आउट किया है। तो कौन कौन से हैं वो डिवाइसेस, कितने साइज का अपडेट फाइल, क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स किया गया, क्या कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है, सब कुछ मैं डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 80 लाइक, 80 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं टेक दोस्त। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट है A51 के लिए। बात करें अपडेट फाइल की तो 381 MB का अपडेट है, अक्टूबर 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और इस अपडेट में आपको डिवाइस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है, साथ में डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को इंक्लूड किया गया है, डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है इस अपडेट में। तो अगर आप सैमसंग A51 डिवाइस यूज करते हैं तो अपडेट कीजिए अपने डिवाइस को। इससे पहले सैमसंग ने एक और अपडेट अक्टूबर में ही रिलीज किया था जिसमें सितंबर का सिक्योरिटी पैच दिया था, और अब अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच के साथ एक अपडेट रिलीज किया है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट डिवाइस की तो अगला डिवाइस है A52S 5G। बात करें अपडेट फाइल की तो 392 MB का अपडेट है, अक्टूबर 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। और इस अपडेट में सैमसंग ने डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को इंक्लूड किया गया है और डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है। तो अगर आप सैमसंग A52S 5G डिवाइस यूज करते हैं तो अपडेट कीजिए अपने डिवाइस को। इसके अलावा बात करें तो One UI 4 का Beta 2 सैमसंग ने इंडिया में रोल आउट करा दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 975 MB का अपडेट है और इसमें नवंबर का सिक्योरिटी पैच है दोस्तों, जो कि फर्स्ट डिवाइस बन जाता है S21 सीरीज जिसमें सैमसंग ने नवंबर का सिक्योरिटी पैच दिया है दोस्तों। अभी तक अक्टूबर का ही सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट था लेकिन नवंबर का सिक्योरिटी पैच रोल आउट कर दिया है। इसके साथ जो एप्लीकेशन है स्टॉक एप्लीकेशन सैमसंग की, उन सभी एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दिया है। साथ में क्या क्या फीचर्स आए हैं इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ, और मेन फीचर क्या क्या ऐड हुए हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो यही था आज की इस वीडियो में, अपडेट कीजिए अपने डिवाइस को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।